वेलकम टू माय चैनल मनशास रेसिपी, होममेड रेसिपी विथ लव जस्ट फॉर यू। आज हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल व्रत की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप दें। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम व्रत के लिए समा के चावल की खिचड़ी बनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले आधा कप भगर को अच्छे से धो लिया है 2 से 3 पानी से और इसे साइड में रख दें। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून तेल या घी लें। तेल गर्म होते ही 1 टीस्पून जीरा डालें। जीरा चटकते ही 5 से 6 हरी मिर्च डालें कटी हुई, और साथ ही 2 डंठल कड़ी पत्ता की डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फ्लेम मीडियम रखें। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। आधा कप समा के चावल के लिए मैंने यहाँ 2 कप पानी लिया है। मेजरमेंट के लिए मैंने 1/2 कप का यूज़ किया है, इसलिए मैं 4 बार डाल रही हूँ इसे। एक टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालेंगे, या आप स्वाद अनुसार डालें। आधा टीस्पून चीनी डालें। अब मिला लेंगे इसे। अब पानी में उबाल आने दें। उबाल आने के बाद हमें 2 मिनट तक इसे ऐसे ही उबालने देना है ताकि सारे फ्लेवर्स पानी में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम भीगे हुए समा के चावल डाल देंगे इसमें और मिला लेंगे अच्छे से। फ्लेम मीडियम ही रखें, अब हम इसमें उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे, अब फ्लेम स्लो कर दीजिए और इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकने दें। 7 से 8 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, ये लगभग 80% तक हो चुका है। देखिए पक चुका है, पर ये पूरी तरह से गला नहीं है। इस स्टेज में हम इसमें अब दही मिलाएंगे। आधा कप दही ले फेटा हुआ, जहाँ तक हो फ्रेश ही दही यूज़ करें। बाकी का दही भी मिला लेंगे हम इसमें। फ्लेम स्लो ही रखें आप, वरना दही फट जाएगा आपका। मिला लें इसे अच्छे से। इसमें मैंने आधा टीस्पून चीनी और मिलाई है ताकि हमारे फ्लेवर सारे बैलेंस हो जाए। ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अगर आपको थोड़ी और लिक्विडी कंसिस्टेंसी चाहिए तो आप इसमें 1/4 कप या आधा कप पानी और डाल दें। 2 मिनट के लिए और पका लेंगे हम इसे। 2 मिनट हो चुके, देखिए हमारी कंसिस्टेंसी। ये ऐसे ही खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, अगर ड्राई हो तो ये उतना मज़ा नहीं आता है खाने में। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में बताएं आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको मेरी रेसिपी फ्री में मिले। अगर आप धनिया खाते हो तो आप इसे ऊपर से गार्निश कर लीजिए, और अगर नहीं खाते हो तो स्किप कर दीजिएगा। लीजिए आपका गर्मा गर्म समा के चावल की खिचड़ी तैयार है। इसे आप गर्म ही एंजॉय करें, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।